स्वागत है आप सभी का BS Reviews में। तो यार ये मेरा पहला फेस कैम है, इसी कारण से काफ़ी सारी गड़बड़े हो सकती है, क्योंकि पर्सनली मैं फेस कैम का इतना आदी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी आज यूज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि आज अक्षय कुमार की मूवी बच्चन पांडे रिलीज हुई है। और पर्सनली जब से ये मूवी का ट्रेलर मैंने देखा था ना, मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था, क्योंकि इस मूवी का ट्रेलर मुझे पर्सनली पसंद आया था, और जिस तरह के पोस्टर्स, जिस तरह के गाने हमें इसके बाद सुनने को मिले ना, वो भी मुझे पसंद आए थे। इसी कारण से पर्सनली मैं मूवी को देखने के लिए एक्साइटेड था। लेकिन आज जब ये मूवी देखी है ना, तो सच बताऊँ ये मूवी बस ठीक ठाक लगी है, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, बहुत ज़्यादा खराब भी नहीं थी, क्योंकि जिस तरह से मूवी स्टार्ट होती है, अपनी पूरी सिचुएशन को स्टैब्लिश करती है, वो सब मुझे काफ़ी ज़्यादा स्लो लगा। मतलब स्टार्टिंग के 10-15 मिनट तो ऐसे थे ना कि देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हम कोई मूवी देख रहे हैं, पर्सनली ऐसा लग रहा था कि हम कोई टीवी सीरियल देख रहे हैं। और जिस तरह से वो सारी चीज़ें देखी गई थी ना, वो सारे भी टीवी सीरियल वाला फील दे रही थी। उसके बाद जिस तरह से मूवी आगे बढ़ती है, अपनी पूरी सिचुएशन को एक्सप्लोर करती है, वो सब भी बस ठीक ठाक था। मतलब इस मूवी को देखने के बाद पर्सनली मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैंने बस एक ठीक ठाक मूवी देखी है, जिसकी उम्मीद मुझे पर्सनली नहीं थी। मुझे लग रहा था कि इस बार कोई अच्छी मूवी हमें देखने को मिलेगी, फराज़ साहब जी हमारे लिए कुछ नया लेके आए हैं, लेकिन उन्होंने इस बार भी दिया है। मतलब हम सब जानते हैं यार कि वो काफ़ी ख़राब राइटर हैं। डायरेक्शन की बात मैं नहीं करूंगा, क्योंकि डायरेक्शन उतना ही अच्छा होता है जितनी स्क्रिप्ट और एक्टर्स अच्छे होते हैं, लेकिन इस बार स्क्रिप्ट भी ठीक ठाक थी, तो डायरेक्शन भी बस ठीक ठाक ही था। चलो इस मूवी की कहानी की बात करते हैं। अगर हम इसी कहानी की बात करें, तो ये कहानी दो कैरेक्टर्स के अराउंड लिखी गई है, एक मायरा, दूसरा है बच्चन पांडे। मायरा जो कि एक फिल्मेकर रहती है, बच्चन पांडे जो कि एक गैंगस्टर रहता है, और मायरा बच्चन पांडे पे एक मूवी बनाना चाहती है। तो किस तरह से ये दोनों मिलते हैं, किस तरह से इन दोनों में एक अट्रैक्शन बिल्डअप होता है, किस तरह की झूठ मायरा बच्चन पांडे से बोलती है, बच्चन पांडे का पास्ट किस तरह का था, वो इतना ब्रूटल कैसे बना है, अब जाके वो कैसा बनने वाला है, और इन सारी चीज़ों में बाकी के कैरेक्टर्स का क्या रोल रहता है, यही सब इस मूवी की मोटा मोटी कहानी है। अगर हम इसे स्क्रीन प्ले की बात करें, तो पर्सनली मुझे इस मूवी का स्क्रीन प्ले बस ठीक ठाक लगा, क्योंकि जिस तरह से मूवी स्टार्ट होती है, अपनी पूरी सिचुएशन इस्टेब्लिश करती है, हमें बताया जाता है कि मायरा किस तरह का इंसान है, वो बच्चन पांडे को मूवी क्यों बनाना चाहती है, किस तरह से वो अपने दोस्तों कन्विंस करती है, किस तरह से ये दोनों इसके गांव में आते हैं, किस तरह से ये दोनों बच्चन पांडे से मिलते हैं, बच्चन पांडे किस तरह का इंसान है, उसने किस तरह से अपनी दहशत फैला रखी है, किस तरह से वो मर्डर करता है, किस तरह का उसका पास्ट था, और अब इन दोनों के बीच की क्या केमिस्ट्री बिल्डअप हुई है, वो सब मुझे बस ठीक ठाक लगा। मतलब ये सारी चीज़ें इतनी अच्छे से नहीं लिखी गई थी कि हम पूरे टाइम इस मूवी में इन्वेस्ट रहें और जानना चाहें कि बाकी क्या होने वाला है और कैसे होने वाला है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। फिर जिस तरह से मूवी आगे बढ़ती है, अपनी पूरी सिचुएशन को एक्सप्लोर करना स्टार्ट करती है, वो सभी मुझे बस ठीक ठाक लगा है। मतलब ये सारी चीज़ें मेरे ख्याल से काफ़ी बेहतर तरीके से लिखी जा सकती थी, क्योंकि इन सारी चीज़ों को इतने अच्छे से नहीं लिखा गया है कि हम पूरे टाइम इस मूवी में एंगेज रहें और जानना चाहें कि आगे क्या होने वाला है और कैसे होने वाला है, और हम बोर कहीं भी नहीं होते हैं, और ये मूवी हमें कहीं ना कहीं इसके सिचुएशन के साथ जोड़े रखने में कामयाब रहती है। लेकिन हाँ, हम एक्साइटेड भी नहीं रहते हैं, और जहाँ तक बात है कॉमेडी की, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा फ्लैट लगी है। इस मूवी की कॉमेडी मुझ पर उस तरह के इम्पैक्ट नहीं डाल पाई है जिस तरह का मुझ पर डालना चाहिए था, और जो कॉमेडी काफ़ी सब्जेक्टिव चीज़ होती है, तो हो सकता है कि आपको इस मूवी को देखकर हंसी आ जाए, लेकिन पर्सनली मुझे नहीं आई है। और जहाँ तक बात है क्वेश्चन की, तो सारे कुछ काफ़ी ज़्यादा फ्लैट रहते हैं, और आपको काफ़ी पहले से पता होता है कि इस मूवी के क्लाइमेक्स में क्या होने वाला है, इसी कारण से ये मूवी आप पे उस तरह के इम्पैक्ट नहीं डाल पाती है जिस तरह को उसे डालना चाहिए था। और जहाँ तक बात है कैरेक्टर डेवलपमेंट और कैरेक्टर्स के मिशन डायनेमिक्स की, तो पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि कैरेक्टर्स को काफ़ी बेहतर तरीके से लिखा जा सकता था, क्योंकि किसी भी कैरेक्टर में उस तरह की डेप्थ देखने को नहीं मिलती है जिस तरह की उसमें होनी चाहिए थी। लेकिन जो कैरेक्टर्स के मिशन डायनेमिक्स थे, वो पर्सनली मुझे पसंद आए, स्पेशली बच्चन पांडे और उसके आसपास के जो कैरेक्टर्स थे ना, उन सभी के बीच के रिलेशनशिप को देखने में पर्सनली मुझे काफ़ी मजा आया है। और अगर हम इस मूवी के नेगेटिव पॉइंट्स की बात करें, तो इस मूवी में काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले भी कहा, इस मूवी का स्टार्ट स्लो है, इस मूवी का क्लाइमेक्स प्रेडिक्टेबल है, इस मूवी की कॉमेडी फ्लैट है, इस मूवी में क्वेश्चंस प्रेडिक्टेबल रहते हैं, और भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं इस मूवी में, लेकिन उन सब पर बात करके मैं आपको इस मूवी को देखने का मजा खराब नहीं करना चाहता। और जहाँ तक बात है म्यूजिक और एक्शन की, तो पर्सनली मुझे एक्शन पसंद आया है, क्योंकि जिस तरह का ब्रूटल एक्शन हमें इस मूवी में देखने को मिला है ना, उसने मुझे इंगेज करके रखा था। पर्सनली को सारी चीज़ें बड़े पर्दे पर देखने में अच्छी लगती है। और जहाँ तक बात है एक्टिंग की, तो सब एक्टर्स का काम ठीक ठाक है, किसी का भी काम बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन किसी का भी काम बहुत ज़्यादा बुरा भी नहीं है। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अक्षय कुमार इतनी सारी मूवीज़ करते हैं ना, कि अब उनका काम मुझे काफ़ी ज़्यादा रिपीटेटिव लगता है। और जहाँ तक बात है कृति सैनन और बाकी सभी एक्टर्स की, तो सभी एक्टर्स का काम ठीक ठाक है। और जहाँ तक बात है डायरेक्शन और एडिटिंग की, तो मेरे ख्याल से डायरेक्शन काफ़ी बेहतर होना चाहिए था, क्योंकि डायरेक्टर उस तरह की मूवी नहीं बना पाए हैं जिस तरह के एलिमेंट्स उनके पास थे। और जो एडिटिंग है, वो भी बस ठीक ठाक ही है। और अगर हम प्रोडक्शन क्वालिटी की बात करें, तो वो अच्छी है। तो ओवरऑल यही होना चाहूँगा कि अगर आप लोगों को एक्शन कॉमेडी मूवीज देखना पसंद आती हैं, और आप लोग अक्षय कुमार के फैन हों, तो आपको ये मूवी डेफिनेटली
पसंद आने वाली है। लेकिन अगर आप एक न्यूट्रल ऑडियंस हो तो भी आप इस मूवी को देख सकते हो, लेकिन आप अपने एक्सपेक्टेशन को थोड़ा कम कर लेना तो आपको ये मूवी देखनी है नहीं, ये आपके ऊपर है। और अगर आपको मेरी मूवी देखी हो तो मुझे कॉमेंट्स में जरूर बताना कि आपकी मूवी कैसी लगी। और अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई सजेशन शिकायत नहीं हो तो भी आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं, या फिर हम इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ यार लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब तो कर ही देना, मोटिवेशन मिलता है यार। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।